नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण गायों के पालनहार और शुभचिंतक हैं। उनका दूसरा नाम है गोविंद, जिसका अर्थ है गायों को आनंद प्रदान करने वाले। वैदिक शास्त्रों में गौ माता को मनुष्य की सात माताओं में से एक माना गया है। वह हमें पौष्टिक दूध प्रदान करती हैं, जो कि मनुष्यों के लिए बचपन से ही एक अनिवार्य आहार है। दूध और दूध से बने उत्पाद मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए गायों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है और बैल खेती के लिए जरूरी है। भगवान बलराम कृषि के स्वामी हैं। वे हल पकड़ते हैं और इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा गया है। बैलों और हल की सहायता से अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए बैलों को पिता स्वरूप माना जाता है और गायों को माता माना जाता है, क्योंकि वह हमें दूध देती हैं और कृषि के लिए आवश्यक खाद प्रदान करती हैं। इसलिए हर मनुष्य को इनकी रक्षा करनी चाहिए। मंदिरों में गौशाला रखना एक वैदिक परंपरा है और इसी परंपरा के अंतर्गत हमारे यहाँ हरे कृष्णा मंदिर अहमदाबाद में श्री राधा माधव गौशाला है। इन गायों के दूध से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक किया जाता है और इससे बने व्यंजन भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित किए जाते हैं और यह सब व्यंजन दर्शनार्थियों को महाप्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं।